तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम लोग बैलेंस कैसे करें इस इक्वेशन से, इस चैप्टर से बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। लेकिन जो मैं अब जो कराने वाला हूँ ये कॉन्सेप्ट बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हम लोग देख लेते हैं, वैसे बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं जिससे कि आप गलती ना करें। देखिए स्टूडेंट, जो दूसरा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पार्ट, कि ऑक्सीडेशन समझाइए और रिडक्शन समझाइए कि क्या होता है, किस तरीके से इक्वेशन में हो रहा है। और उसके साथ एक चीज और बताऊं मैं आपको, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरा गौर से समझिएगा, बहुत आसान भी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचाने जाए अगर क्वेश्चन में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझा रहा हूं, वहीं से स्टार्ट कर दूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, वो आपके लिए नई बात है, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक है, वहां से समझिएगा। तो हमें सबसे पहले पहचानना है स्टूडेंट कि ऑक्सीडेशन और किसके साथ ऑक्सीडाइज, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, मतलब किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके साथ रिडक्शन हो रहा है। अब पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसके साथ हो रहा है, फिर हम लोग ये समझेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब ये कॉन्सेप्ट करवा रहा था मैं, तो आई थिंक जो हमारे लेक्चर की सीरीज है उसमें जो पार्ट 4 है वो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का है, कि कब ऑक्सीडेशन होता है, कब रिडक्शन होता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट नंबर 4 देख लीजिए, बेसिक नॉलेज ले लीजिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, फिर आप इससे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगी। चलिए मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, हल्का सा रिवाइज करता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया था वहां पे। देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में मैंने दो चीजें आपको वहां बताई थी, जल्दी से मैं क्योंकि यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, डिटेल में आपको समझना है तो वहां से समझिएगा पार्ट नंबर 4 से जो हमारी सीरीज है इस चैप्टर। चलिए मैं आपको जल्दी से रिवीजन करवा दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मैंने कैसे आपको वहां पर समझाया था कि कैसा फर्क होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता है, ऐसे प्रोसेस जिनमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, उनको ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। ऐसे प्रोसेस जैसे जिनमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीडेशन होंगे, उसका उल्टा रिडक्शन क्या होता है, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या है, रिडक्शन है। आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताया था, उसकी एक हल्की सी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडेशन है तो उसका उल्टा यहां होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, फिर जो होगा उसका रिवर्स यहां होगा, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होगा, इसका जस्ट उल्टा अगर कर दो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडेशन है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। क्लियर है बात, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहां पर पढ़ा दिया था। अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस एलिमेंट निकालना है इसमें कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो सबसे सिंपल बात है, हम लोग ये पहचान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है, रिडक्शन। चलिए इक्वेशन लिखता हूं मैं, CuO + Zn, ZnO + Cu। स्टूडेंट्स जैसे कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि एक आपका ये है और एक आपका इस तरीके से, आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जिंक जो एलिमेंट है उसके साथ ऑक्सीजन एड हो गया, जिंक एलिमेंट यहां पर ZN था, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक के साथ। और रिडक्शन किसके साथ हो रहा है फिर स्टूडेंट्स, कॉपर ऑक्साइड के साथ। देखिए कैसे, कॉपर ऑक्साइड के पास यहां पर ऑक्साइड ऑक्सीजन थी, यहां पर ऑक्सीजन नहीं रही, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन में ये पूछ रखा है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हुआ, तो जिसके साथ ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, किसके साथ हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक, तो जिंक आपको ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिडक्शन किसके साथ हो रहा है आपका, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के साथ रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूस कौन सा हो रहा है आपका, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। आप आंसर साफ साफ लिख देंगे, क्या लिख देंगे आप, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज इज जिंक। ठीक है, लिखते हैं ऑक्सीडाइज सब्सटेंस is zinc, reducing substance
इज कॉपर ऑक्साइड। तो ये बहुत आसान है पहचानना कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस। जिसके संग ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसके संग रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। कॉपर यहाँ ऑक्सीडाइज है, जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, ऐसे बोलते हैं इसे। अब बात यहाँ पर स्टूडेंट एक और आती है कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, वो आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, वो आप अभी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब होता है वो चीज जो हेल्प करे ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइज होने में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दो सब्सटेंस विच हेल्प द सब्सटेंस इन ऑक्सीडाइजेशन, वो सब्सटेंस जो किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज होने में मदद करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट आर दो सब्सटेंस विच हेल्प द अदर सब्सटेंस टू रिड्यूस, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस को मदद करें रिड्यूस होने में, उनको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। एजेंट मतलब वो चीज जो हेल्प करे, ऑक्सीडाइज और रिड्यूसिंग आप समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है। तो अब इसमें देखते हैं, अब स्टूडेंट्स इसका मैं आपको बताऊंगा कैसे पहचानते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का ZN या मान के ZN हो गया, ठीक है, तो ये किसके हेल्प से हुआ भाई, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, इसके पास ऑक्सीजन आई है, ऑक्सीजन इसको किसने दी, कॉपर ऑक्साइड ने। भाई कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी, ये एक एटम था, कॉपर के पास क्या थी ऑक्सीजन। तो जब इसने कहा था कि मुझे ऑक्सीडेशन होना है, तो ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन उसे किसने प्रोवाइड करी, कॉपर ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल था उसने कहा कॉपर ऑक्सीजन तुम ले लो, मैं अकेला रह जाता हूं। तो जब ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो जो उसको ऑक्सीजन दिया वो किसने दिया है, किस सब्सटेंस ने दी, कॉपर ऑक्साइड ने। तो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड। नहीं समझे, देखिए फिर समझिए एक बार, जिंक जो है जब ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है तो उसकी हेल्प कौन कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड। क्या यहां पर, अगर यहां पर कॉपर ऑक्साइड नहीं होता क्या फिर कभी जिंक ऑक्सीडाइज हो सकता था, नहीं हो सकता था। तो जो उसकी हेल्प करी है वो किसने की है, कॉपर ऑक्साइड ने। और ऐसे सब्सटेंस जो हेल्प करें, जो करने में मदद करें दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज, उसी को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। यही लॉजिक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ है, वो भी समझेंगे। तो अब जिंक जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। इसका मतलब इस केमिकल इक्वेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड। चलिए साफ साफ लिख देते हैं यहां पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज कॉपर ऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये वाली बात आप ज्यादा ध्यान से इसलिए समझिएगा क्योंकि इसमें बच्चे परेशान रहते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, क्या रिड्यूस हुआ है, क्या ऑक्सीडेशन है, क्या रिडक्शन है। आपको इसमें परेशान नहीं होना है, आपको साफ साफ कॉन्सेप्ट बताना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या। एजेंट मतलब जो हेल्प करता हो किसी में, असिस्ट करता हो किसी के लिए, वो एजेंट होते हैं, रियल लाइफ में ये रहता है। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, भाई वो एजेंट जो ऑक्सीडाइज होने में मदद करें, किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने में मदद करें, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जिंक अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो कॉपर ऑक्साइड की वजह से हुआ है, इसके पास ऑक्सीजन थी तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, कोई गलत बात इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की। सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, भाई जो रिड्यूस करने में मदद करे। अब कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर बन गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ये रिड्यूस हुआ, किसकी वजह से हुआ, ये ऐसा कौन सा एलिमेंट था जिसने इसके ऑक्सीजन को ले लिया था, वो था जिंक। बट ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो रिड्यूस हुआ, अब किसने लिया इसके ऑक्सीजन को, जिंक ने लिया सर। तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसकी वजह से रिड्यूसिंग एजेंट हुआ है, अगर यह जिंक नहीं होता तो कभी इसको ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती नहीं। तो जब इसने रिड्यूस हुआ तो जिंक की वजह से हुआ, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर कौन है, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट आपका जिंक। बात समझ में आ रही है, बट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जिसकी वजह से रिड्यूस हुआ है, जिंक की वजह से रिड्यूस हुआ है, जिंक ने इसके ऑक्सीजन ले लिया, ये रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट इस इक्वेशन में कौन सा है आपका, जिंक। तो लिखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट इज जिंक। देखिए स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, आपको कॉन्सेप्ट जरूर है। देखिए याद करने के लिए तो फिर बहुत सिंपल सी बात है, याद करने के लिए तो फिर बहुत आसान था। देखिए मैंने आपको जो समझाया वो कॉन्सेप्ट समझाया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या है, वो बोला क्यों गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको
ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज करने में मदद करें, कॉपर ऑक्साइड, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिड्यूस करने में मदद करें। लेकिन अगर अब देखिए कुछ कुछ लोग इसे ऐसे बता देते, टीचर्स ऐसे बता देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे आंसर ठीक आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ही है उसमें कैसे आता है, आंसर ठीक बता देता हूं मैं आपको। देखिए स्टूडेंट, जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उसके दूसरा वाला जो आपका एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, जो भी हो, रिएक्शन में कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट भी यहां पर कंपाउंड भी, तो उसके साथ जो दूसरा वाला एलिमेंट या कंपाउंड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखते हैं अगर इसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ तो इसके जो दूसरा वाला आपका जो एलिमेंट या कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर इसके साथ रिडक्शन हुआ तो फिर ये जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अल्टरनेट होता है। मेरे साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मेरा दोस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके साथ रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन हो रहा है तो फिर मैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका उल्टा हम लोग कर लेते हैं, जिसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका दूसरा वाला होगा सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे याद कर लेते हैं बिल्कुल सही आंसर आता है। इसके साथ हो रहा है रिडक्शन तो सर ये वाला भी एलिमेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट, कोई जिसके साथ रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी हो सकता है, बराबर वाला ही होगा। ये कॉन्सेप्ट से भी ठीक आंसर आता है, लेकिन ये सिर्फ याद करने का तरीका है। ऐसे आप बोर्ड में अगर आप लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानिए, आपको ये तय करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप कर सकते हैं। इसके साथ हुआ ऑक्सीडेशन तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिना ना कोई लॉजिक लगाए नहीं तब भी आंसर ठीक आएगा। इसके साथ हुआ रिडक्शन तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आंसर तो ठीक आएगा स्टूडेंट्स। लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका समझ गए आप लोग कैसा होता है कि जो चीज ऑक्सीडाइज होने में मदद कर रही थी उसको लॉजिकली हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला, जो चीज हमारे रिड्यूस होने में मदद कर रही थी उसको हमने लॉजिकली रिड्यूसिंग एजेंट बोला। तो हमारे पास ये लॉजिक है, इसके बिना आपका हमने किया गया। बाकी आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के दूसरा वाला जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन जिसके साथ हो रहा है उसके दूसरा वाला सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है अगर आपको याद करना है, वरना फिर आप कॉन्सेप्ट से समझिए, दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर वन आपने करा तो मैंने आपको सारी चीजें बताई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसे पहचानेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे पहचानेंगे, उनका मतलब क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो उसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू, अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है तो आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा, आंसर देखिए पहले आप अपने ट्राई करिएगा, फिर आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, फिर आप देखिएगा आपने ठीक किया या नहीं। देखिए तो हमारा जो है वो है सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं हमारे पास रिएक्शन ये लिखा हुआ है MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। देखिए स्टूडेंट ये रिएक्शन थी हमारे पास, तय इसमें ये करना है कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड क्या हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन मैंने बढ़ा दिया है, हमें ये भी निकालना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, अगर बोर्ड में ये आता है तो ये भी आप लोग आसानी से निकल पाएंगे। देखिए स्टूडेंट अब यहां पर H के पास Cl है, ठीक है, यहां पर Cl के पास H था, यहां पर उस पर रिमूवल होता है हाइड्रोजन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, इसका मतलब HCl के साथ क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब यहां पर बस मैग्नीज के पास ऑक्सीजन था, यहां पर मैग्नीज के पास ऑक्सीजन था, यहां पर इसके पास मैग्नीज का ऑक्सीजन हट गया, क्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन हट गया, इसका मतलब यहां पर क्या था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब इससे क्या हो रहा है रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स अगर इस इक्वेशन में देखा है तो इसमें ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है HCl, ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें Cl2, और रिड्यूस अगर हमें रिड्यूस सब्सटेंस देखा है तो रिड्यूस सब्सटेंस है इसमें MnO2, MnO2 रिड्यूस हो रहा है MnCl2 में, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिड्यूस रिडक्शन हो रहा है, ये आपको दिख रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हो रहा है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाला जाए आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, आपसे इसमें ये पूछ लिया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, तो एक तो लॉजिक वही है कि सर अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सर ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2, ठीक है ये कॉन्सेप्ट इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, ये लॉजिक नहीं था, आपको लॉजिक समझ में आ गया है।
भाई अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ठीक है, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? MnO2 होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपको मैंने कॉन्सेप्ट पहले समझा चुका हूं कि कॉन्सेप्ट ये नहीं है, कॉन्सेप्ट इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन है। क्लियर है बात? चलिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें हो गया आपका MnO2। रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं सर। रिड्यूसिंग एजेंट इसमें अगर MnO2 का हो रहा है रिडक्शन, तो रिड्यूसिंग एजेंट सर कौन होगा? सर रिड्यूसिंग एजेंट इसमें होगा फिर HCl। चलिए बात समझ आ गई स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे पहचान लेते हैं। तो ये तरीका था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे पहचाने और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचाने। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और देखते हैं और ये है इसी चैप्टर का। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस चैप्टर से कभी कभार बन जाते हैं, तो हमें कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने मैंने आपको पढ़ाया है, तो उसमें कॉन्सेप्ट लेके मैं चला हूं, आप लोग इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो देखिए एक इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट को भी और क्लियर करेगा आपका। देखिए देखिए क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग थ्री इक्वेशंस। कंसीडर द फॉलोइंग थ्री इक्वेशंस मतलब तीन इक्वेशंस को कंसीडर करिए। कौन कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये वाली, इक्वेशन नंबर सेकंड ये वाली, इक्वेशन नंबर थर्ड ये वाली। कुछ इक्वेशन इसमें दे रखे हैं क्वेश्चन में और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए Al2O3+2b, B2O3+2, इस तरह से इक्वेशन है। 3CSO4+2b, इस तरह से कोई इक्वेशन और एक, ये तीसरी इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब हमसे पूछा गया है इन तीनों इक्वेशन के बिहाफ पे, ये जो तीन इक्वेशन हमें नॉलेज दे रही हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है उसके बिहाफ पे, विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब हम गौर से अगर तीनों इक्वेशन को देखें, तो हमने तीनों इक्वेशन को ध्यान से ये बता रही है कि ये तीनों इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तीनों ही इक्वेशन ये कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आई थिंक हमने पार्ट नंबर 3 में कवर किया था ये इस चैप्टर की सीरीज के। तो आप अगर आपको रिवाइज करना है तो वहां से करिएगा पहले, फिर क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं? हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर हमें यह तय करना है कि कौन सा एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं। देखिए कैसे, इसमें और एलिमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स? एक तो आपका ए इन्वॉल्व है इसमें, एक आपका बी इन्वॉल्व है इसमें, एक आपका सी इन्वॉल्व है इसमें। तीन एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है। और पूछा गया अब इन तीन एलिमेंट में से ये पता करके बताइए कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है। देखिए बहुत गौर से सुनिएगा कैसे हम लोग पता करेंगे। अब A2O3 ए एलिमेंट ने ऑक्साइड बनाई और B2B के साथ उसने करके रिएक्ट किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई स्टूडेंट। बी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया, बी ने ए को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। अगर बी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। इसमें कोई शक वाली बात भाई? देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बता रही है? फर्स्ट इक्वेशन हमें दो इन्फॉर्मेशन दे रही है। पहली बात ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है, दूसरी बात कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है तो ए की जगह यहां पर क्या आता है? A2O3 की जगह जब बी से रिएक्ट करता है तो उधर बन जाता है B2O3। इसका मतलब बी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा इससे, इसे तो डिस्प्लेस कर दिया, तो बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। अब बची बात स्टूडेंट सी से, हमें सी से कंपैरिजन करना है कि क्या सी कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं, इस रिएक्शन में ज्यादा ज्यादा। ठीक है, अब ये रिएक्शन हुई यहां पर, तो बी ने यहां पर सी को फिर से रिप्लेस कर दिया। आप देखिए ये रिएक्शन हो रही है, बी ने यहां पर सी को फिर से रिप्लेस कर दिया, B2SO4 बना लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो है वो सी से भी क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। तो बी ए से भी ज्यादा रिएक्टिव है, बी सी से भी ज्यादा रिएक्टिव है। भाई क्यों, हम लोग कैसे दे पा रहे हैं वाली बात? क्योंकि बी जो है वो ए को भी डिस्प्लेस कर रहा है, बी सी को भी डिस्प्लेस कर रहा है। इसका मतलब बी इज मोर रिएक्टिव देन ए एंड बी बोथ। इसका मतलब बी इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो स्टूडेंट इसका क्या आंसर हो गया? विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव? तो इसका आंसर हो गया सर बी एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। भाई क्लियर है बात? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। रीजन क्या है? बिकॉज इट डिस्प्लेसेस बोथ ए एंड सी, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वही डिस्प्लेस कर पाता है जो ज्यादा रिएक्टिव। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव? कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है ये तय करते हैं। लीस्ट रिएक्टिव के लिए देखा जाएगा, अब यहां पर जो है ए जो है वो बी से डिस्प्लेस हो गया, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट? ए जो है वो बी से तो कम रिएक्टिव है, कंसर्न बात है भाई। बी जो है वो ए को डिस्प्लेस कर देता है, इसका मतलब ए जो था वो बी से कम रिएक्टिव है, कंफर्म हो गई बात यहां से।
आगे बढ़ते हैं। अब सी जो है अगर देखा जाए यहां पे, तो अगर यहां पर जो सी है अब वो डी से फिर से डिस्प्लेस हो गया, डी से क्या हुआ वो फिर से डिस्प्लेस हो गया सी, ठीक है। इसका मतलब बी ने अगर सी को डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां से एक बात फिर निकल के आ रही है कि सी जो है वो बी से भी क्या है, सी जो है वो बी से भी क्या है, कम रिएक्टिव है। और फिर यहां देखिए स्टूडेंट तीसरे क्वेश्चन में ए ने सी को कर दिया, इसका मतलब यहां पर क्या बात निकल के आ रही है कि सी जो है वो ए से कम रिएक्टिव है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को देखिए स्टूडेंट, कौन कौन से एक्सप्रेशन को देखना है, दूसरा और तीसरा। बी ने यहां पर सी को डिस्प्लेस कर दिया, इसका मतलब सी इज लेस रिएक्टिव देन बी। यहां पर सी को ए ने कर दिया, इसका मतलब सी इज लेस रिएक्टिव देन ए। तो एंड की इक्वेशन क्या दिखा रही है आपको, सी बी से भी कम है और सी ए से भी कम रिएक्टिव है, पर सी इज लेस रिएक्टिव देन बी एंड सी इज ऑल्सो लेस रिएक्टिव देन ए। तो इन तीनों में सबसे कम रिएक्टिव कौन सा हुआ, ऑब्वियसली सी हुआ। तो हमारा विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव का आंसर क्या होगा स्ट्रेंथ, सी एलिमेंट होगा। तो सी एलिमेंट इज द लीस्ट रिएक्टिव। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन्वॉल्वड इन द गिवन इक्वेशंस, कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं तीनों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।